नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। माघ मास के गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 2 फरवरी 2022 को है और समाप्ति 10 फरवरी 2022 को है। माघ मास के गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे जन्म कुंडली के सभी दोष खत्म होते हैं और साथ ही चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष की देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको माघ मास के गुप्त नवरात्रों की पूजा विधि बताने वाले हैं मित्रों। तो पूजा विधि यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूजा विधि इस प्रकार है। 2 फरवरी को भक्तजन इस दिन भक्त जन माँ की पूजा के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर कलश नारियल चुन्नी श्रृंगार का स्नान अक्षत हल्दी फल फूल पुष्प आदि सब कुछ इकट्ठा कर लें। कलश सोने चांदी तांबा पित्तल या मिट्टी का होना चाहिए। लोहे अथवा स्टील का कलश पूजा में प्रयोग नहीं होता। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक आदि लिखें। पूजा आरंभ के समय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरुम पापा पूजा दीपा नमस्तुते यह मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ भगवान गणेश जी को स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति इस दिन अवश्य ही स्थापित करनी चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं। उसके बाद पूजा स्थल के उत्तर पूर्वी भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज नदी की रेत और जौ ओम भूमाय नमः कहते हुए डालें। कलश में जल गंगा जल लौंग इलायची पान सुपारी रोली मोली चंदन अक्षत हल्दी रुपया पुष्प आदि डालें। अब कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः मंत्र पढ़ें और कलश को पूर्ण रूप से भर दें। आम की टहनी लें। अगर आम की टहनी ना मिले तो बरगद गुल्लर और भी किसी के पल्लव कलश के ऊपर रखने का विधान है। उसके बाद कलश के ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ नारियल रखकर कलश को माथे के समीप लाएं और वरुण देवता को प्रणाम करते हुए रेत पर कलश को स्थापित करें। पूजा के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए हुए निवारण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय माँ शक्ति का यह अबोध मंत्र जो भी यथासंभव सामग्री हो माँ को चढ़ाएं। उसके बाद संभव हो तो श्रृंगार का समान नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। सर्वप्रथम माँ का ध्यान आवाहन आसन अर्घ स्नान उपवस्त्र वस्त्र श्रृंगार का समान सिंदूर हल्दी अक्षत पुष्प धूप दीप मिष्ठान ऋतुफल नारियल आदि जो भी सुलभ हो उसे अर्पित करें। पूजन के बाद आरती और क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से मित्रों आप गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ की पूजा का विधान रात्रि 12 बजे से सूर्य उदय तक बताया गया है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। जय माता की दोस्तों।